नूह जिले में हुई हिंसा की आग जिला पलवल तक पहुंच चुकी है। होडल से पुनहाना सड़क मार्ग पर दंगाइयों द्वारा सुबह सामान से भरे चार ट्रकों में आग लगा दी गई। आग लगने से चार गाड़ियों में भरा सामान जलकर राख हो गया। वहीं पलवल की परशुराम कॉलोनी की झुग्गियों में आग लगा दी, जिसमें सभी झुग्गियां जलकर राख हो गईं। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। जिले में धारा 144 लगा दी गई है और पैरामिलिट्री फोर्स पहुंच चुकी है। इंटरनेट सेवा और शिक्षक संस्थानों को बंद कर दिया गया है। घटनाओं की सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। हमने पूरा डिप्लॉयमेंट कर रखा है, कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, उनको घेर दिया गया है और जैसा कि आप देख सकते हैं सभी डीएसपी और फोर्स लेके पेट्रोलिंग कर रहे हैं। शांति व्यवस्था बनी हुई है और लगातार हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टी है वो गश्त कर रही है। सभी की हमारी तरफ से अपील है किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें और अपने घरों पर ही रहें, ठीक है। पुलिस अपना काम कर रही है, कोई भी अगर घटना होती है उसके बारे में पुलिस को तुरंत सूचना। सर कोई लूटपाट हुई है शहर के अंदर? सर बाजार को बंद कराया गया जबरदस्ती? नहीं, देखिए बाजार बंद है और ऑलरेडी जैसे कि 144 की धारा हमारी लगी हुई है और सारे हमारे प्राइवेट और सरकारी संस्थान बंद है। एहतियात के तौर पे इंटरनेट बंद किया गया है और वहाँ पे हमारी टीम अभी वहाँ पे सभी जगह जो कुछ लोग घूम रहे थे उनको वहाँ पे उनको खदेड़ कर आई है और वहाँ पर अभी स्थिति सामान्य है और यहाँ पर भी जैसा देख सकते हैं कि अभी हम सब लोग पेट्रोलिंग में लगे। सर को कुछ गाड़ियाँ जलाई गई हैं जिसमें सामान भरा हुआ था, उनको लोग लूट के ले गए, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? जो भी कोई भी घटना हुई है उन सभी में एफआईआर दर्ज की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर जो होटल में दो मैदान थे हमने हाथ जोड़ के या तो बड़ों को चुनाव हाथ जोड़ पुलिस वाले बैठा रहो जी हमको और हम बना बैठो जा रहा हमें बबुआ पे कहा तो बोल तो क्या करेंगे उठवा तो लेते जो मतलब बच रही हैं। अब कहाँ तक उठवाते, वो पड़ी उठवा लेते। हमने बहुत उठाया, हाथ और जल गए बहन की।